हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय अनदर रेसिपी। अंकिता स्टाइल एंड टिप्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लंच में बनाएंगे टेस्टी पंजाबी मसाला भिंडी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और ये भिंडी है 250 ग्राम, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। ये एक टेस्टी और जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। आप इसे चटपटे सब्जी को रोटी या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये है भिंडी, हम इसे कैसे कट करेंगे ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे आगे का पार्ट और इसके पीछे का पार्ट इसे हमें कट कर लेना है और बीच में इसे कट कर लेना है। आप चाहे तो ऐसे साबुत भी बना सकते हैं भिंडी का, और नहीं तो आप ऐसे छोटे पीस में, दो पीस में कट कर कर भी बना सकते हैं। अगर इससे छोटा पीस, छोटा भिंडी हो तो आप एक ही ऐसे साबुत बना लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह हम सारे भिंडी कट कर लेंगे। अब देखिए हमारे भिंडी कट हो गए हैं। मैंने ये भिंडी 250 ग्राम लिया है। अभी सारे मसाले हैं, देख लीजिए, नींबू, अदरक, लहसुन, प्याज, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत जीरा, खड़े मिर्च और सौंफ। हमारे कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम सौंफ को डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आधा ही सौंफ डालेंगे और आधा हम तड़का लगाने के लिए रख लेंगे। फिर इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे हम, ताकि हम इसका पाउडर बना सकें। अब हमारा ये रोस्ट हो चुका है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख दिए हैं। अब उसे बेलन से या हेमदस्ता में उसे क्रश कर लीजिएगा। फिर हमने ये मस्टर्ड ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। पहले हमें भिंडी को हल्का सा रोस्ट करना है। ये अच्छे से कढ़ाई हमारा गर्म हो जाना चाहिए। अब हम ये भिंडी इसमें डाल देंगे और हल्का से इसे फ्राई कर लेंगे। भिंडी तो ऐसे ही जल्दी बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा झटपट बनाने वाली ये पंजाबी भिंडी रेसिपी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारी भिंडी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। अब हम इसे प्लेट में एक निकाल लेते हैं भिंडी को। इसे हम प्लेट में निकाल दिए, सेम मैंने वही कढ़ाई लिया है। ये भिंडी देखिए प्लेट में निकाल लिया है मैंने। और फिर इसी कढ़ाई में हम फिर डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून डालेंगे। तो सारे मिला के हमारे 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल हो गए। ऑयल अच्छे से हीट हो जाना चाहिए। देखिए ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। इसमें हम डालेंगे ये साबुत मिर्च 3 हम लोग जो लिए थे। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरा हमने डाल दिया। और फिर इसमें बचे हुए जो सौंफ रखे थे ना, उसे भी हम तड़का में डाल देंगे। सूप से ही हमारी पंजाबी भिंडी का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे भी हम डाल देते हैं और हल्का सा क्रश हो जाने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे ओनियन जो हमने फाइनल चॉप कर लिया था इसे। अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारे रेड ब्राउन कलर ना हो जाते हैं हमारे ओनियन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये लहसुन अदरक को, मैंने ये क्रश कर लिया। आप चाहे तो पेस्ट बना सकते हैं इसे, और इसे भी डालकर हमें भून लेना है। हमारे ओनियन देखिए रेड ब्राउन कलर हो गए हैं। फिर इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जितने हमने सूखे मसाले लिए थे। फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर इसमें हम हल्के से इसे भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम पानी 1 गिलास। और अच्छे से मसाले और ये सारे प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे आपको रोटी से खाना हो या पराठा से खाना हो या चावल से खाना हो। अब देखिए हमारा बॉयल भी हो चुका है मसाला, तो इसमें हम डालेंगे ये भिंडी जो भून कर हमने रखा हुआ था। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चीनी, जिन्होंने मैंने थोड़ा सा चीनी जो लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे ये नमक स्वाद अनुसार,
मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया था। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये सौंफ, हमने इसको क्रश कर लिया था भून कर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब इसमें ऐड करेंगे देखिए नींबू, हम इसमें कोई टमाटर भी ऐड नहीं करना है, टमाटर के बदले में नींबू ही ऐड करना है। हमने इसमें आधा टुकड़ा नींबू ऐड कर लिया है और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा देखिए सब्ज़ी ड्राई भी हो चुका है, तो हमारा सब्ज़ी बनकर अब रेडी हो गया है। अगर आप और इसे भी ड्राई खाना चाहते हैं तो और ड्राई कर लीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसे हम धनिया पत्ता से गार्निशिंग करेंगे। और ख़ास बात यही है कि मसाला भिंडी की यह स्वादिष्ट और स्पाइसी रेसिपी कुछ ही मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी कुछ मिनट में बनकर तैयार होने वाली पंजाबी भिंडी मसाला। थैंक यू ये रेसिपी देखने के लिए। बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।